अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त फीडबैक हमें मिल रहा है। इंशाल्लाह हम इसी तरह अपने सिलसिले को कंटिन्यू रखेंगे। आज की वीडियो में दो तीन अहम पॉइंट मैंने जो है कवर किए हैं अबाउट आई स्मार्ट ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, उससे रिलेटेड है। आप लोगों को बताऊँगा और क्या बना इनका जो केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, उसको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो लाइक कर दें। आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे अबाउट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। आप लोग जानते हैं मैं जो भी बात या न्यूज़ आप लोगों से शेयर करता हूं बकायदा प्रूफ के साथ, सबूतों और शवाहिद को मद्देनजर रखता हूं, आप लोगों को डिस्प्ले पर साथ साथ बताता हूं कि क्या ग्राउंड रियलिटी है। हम लोग ना स्मार्ट के हक में है ना एसईसीबी के हक में है कि उन लोगों ने फैसला क्यों दिया या ये लोग ठीक हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है हम लोग उसको मद्देनजर रखेंगे, उसको सामने लाएंगे कि भाई ग्राउंड रियलिटी है क्या, असल क्या हकीकत है। तो इंशाल्लाह दो अहम पॉइंट हैं, वीडियो का आगाज करूंगा। देखिए सिंपली मैं आपको सिंपल बातें करके बताता हूं कि एसईसीपी ने प्रेस रिलीज की आई स्मार्ट के खिलाफ, नैब ने भी अखबारों में इश्तारात दिए कि ये लोग इदारा सेफ नहीं है, ये लोग ठीक नहीं कर रहे। वहां से फिर आई स्मार्ट वाले गए हाई कोर्ट, उन लोगों ने एसईसीपी और नैब के खिलाफ जो है ना एक दरख्वास्त लिखी दायर की कि भाई इन लोगों ने ये काम किस बेस के ऊपर किया, इन लोगों के पास क्या प्रूफ है कि आई स्मार्ट गलत काम कर रहा है, किसी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्या इनके पास कोई एक ऐसा बंदा है जो ये कहे कि मेरी इन्वेस्टमेंट लेके आई स्मार्ट भागा है। तो इन लोगों ने किस प्रूफ के ऊपर, इनके लोगों के पास क्या बेस क्या है जिसके ऊपर इन्होंने जो है हमारी कंपनी के खिलाफ प्रेस रिलीज की है। तो ये सारी बातें उन्होंने हाई कोर्ट में पेश की। इंशाल्लाह वहां से भी बड़ा फैसला आना है, वो जैसे ही आएगा आप लोगों को बताऊंगा। बट इससे पहले आप दो तीन अहम पॉइंट समझ लें। देखिए आई स्मार्ट रजिस्टर्ड हर जगह से है, नंबर एक ये तो क्लियर है। नंबर दो, आई स्मार्ट के खिलाफ कोई डाटा नहीं है एसईसीबी के पास और नैब के पास। कोई एक ऐसा इन्वेस्टर नहीं है जो आई स्मार्ट के खिलाफ बोले कि ये लोग मेरे पैसे लेकर भागे हैं। और अभी तक एसईसीबी को कोई ऐसी रीजन नहीं मिली कि आई स्मार्ट किसी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो अगर इनके पास कोई प्रूफ हो तो मेरा भी यही जाती ख्याल है कि अगर उनके लोगों के पास कोई प्रूफ होता फिर वो प्रेस रिलीज करते या पहले एक बार वॉर्न करते हाईकोर्ट से, पहले अप्रूव करते, कानूनी तरीके से चलते। अब आई स्मार्ट वाले कानूनी तरीके से चल रहे हैं, हाईकोर्ट गए हैं, उन्होंने कहा कि हमारा 2 बिलियन का लॉस हुआ है और एसईसीबी और नैब ने ये जो काम एक्टिविटी किया गलत की है। तो अगर नैब और एसईसी के पास कोई प्रूफ है, एक बंदा है आई स्मार्ट के खिलाफ जो बोले, वो लोग पेश करें, फिर हम लोग जो है ना आगे जो कानूनी कार्रवाई होगी हम लोग करेंगे, हम लोग जवाबदेह हैं हर एक सवाल का। एक छोटी सी तीसरा पॉइंट अहम के जो मेन इंस्टाग्राम है शुकत मरवत साहब की, उन्होंने वहां पर एक डिटेल्ड हाफ आवर की जो है वीडियो बनाई है कि असल में सारा माजरा क्या है, हुआ क्या था, फिर हम लोगों ने उन लोगों ने ये सारा बताया। आप वो काइंडली देखें सारा, और जैसी हाई कोर्ट का वहां से फैसला निकल के आता है इंशाल्लाह आपको सबसे पहले चैनल पर मिलेगा।